दोस्तों, दुनिया के मौजूदा हालात बेहद गमगीन हैं। इन हालातों को देखकर ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कल क्या होगा। क्या कल की सुबह वैसे ही ताजगी से होगी या हर तरफ धुआं ही धुआं होगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में अब 28 देश शामिल हो चुके हैं। अगर अब लड़ाई में ये सारे देश मिलकर कोई एक्शन करते हैं तो ये सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। ऐसे में हमारे देश भारत पर भी संकट मंडरा रहा है और इस संकट से बचने के लिए भारत अपनी सेना को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और हथियार इकट्ठा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम आपसे साझा करते हैं कुछ ऐसी ही अनचाही घटनाएं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। आज हम आपसे इस वीडियो के जरिए बात करने जा रहे हैं भारत के पास मौजूद कुछ ऐसे हथियारों के बारे में जो सचमुच किसी और देश के मुकाबले अद्वितीय हैं। दोस्तों, जानकारी को पूरा समझें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इससे आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये बात सच है कि बढ़ते वक्त के साथ साथ सभी देशों को अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होता है। इसके लिए वो कई सैनिकों को तैयार करके बॉर्डर्स पर तैनात करते हैं और हजारों हथियार बनाने में निरंतर जुटे रहते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सब कितना खतरनाक हो सकता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो और सभी देश आपस में लड़ मरें तो सारी सृष्टि भी खत्म हो सकती है। इंसान का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम तो हमको पता ही हैं। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। 4 साल चलने वाले इस द ग्रेट वॉर से लोगों ने भयानक त्रासदी का सामना करते हुए करीब 1,70,00,000 अपनों को खोया और लगभग 2 करोड़ लोगों को घायल होते हुए देखा था। वहीं दुनिया जहां पहले विश्व युद्ध यानी द ग्रेट वॉर से ही उभर नहीं पाई थी, वहीं दूसरा विश्व युद्ध बड़ी भयानक मुसीबत लेकर आया और द ग्रेट वॉर से भी भयानक साबित हुआ, जो 1 सितंबर 1939 से अगस्त 1945 तक लड़ा गया था। इसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से 5 करोड़ आम नागरिक थे, जबकि सिर्फ 3 करोड़ ही सोल्जर्स थे। और अब आप इसके बाद ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मौत के आंकड़े कितने हो सकते हैं। विगत वर्षों में भारत जैसे जैसे अपने आप को और प्रबल देश की श्रेणी में लेकर आया है, वहीं उसने अपने बचाव के लिए कुछ हथियार भी इकट्ठे किए हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के पास मौजूद कुछ ऐसे हथियार जिससे कोई और देश बराबरी नहीं कर सकता। अग्नि 6, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये अग्नि मिसाइल्स के सीरीज की सबसे एडवांस और मॉडर्न टेक्निक से बनी मिसाइल है। DRDO के पहले परीक्षण के वक्त इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक थी, लेकिन इसमें अब कुछ चेंजेस के बाद इसकी मार्ग क्षमता 16000 किलोमीटर तक हो गई है। मतलब भारत अब इस मिसाइल के जरिए 13000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी देश तक एक जवाबी हमला कर सकता है। इस मिसाइल की एक और खासियत है कि इसे कोई भी जंगी जहाज या कोई भी मामूली जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। INS अरिधमन, अब भारत के पास INS विक्रांत के बाद INS अरिधमन नाम एक ऐसी जंगीय पनडुब्बी है जो INS विक्रांत से भी ज्यादा एडवांस और कारगर है। भारतीय नौसेना के पास ये दूसरी ऐसी पनडुब्बी है जो न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होती है और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स बनाए गए हैं। इस पनडुब्बी का रिएक्टर भी काफी ताकतवर बनाया गया है। इसे जनवरी 2020 में लॉन्च कर दिया गया है। इसके इन्वेंटर इसे चीन को करारा जवाब देने वाली सही इन्वेंशन भी बता रहे हैं। ब्रह्मोस 2, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद
9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट तक जाती है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर टारगेट अपनी पोजीशन को चेंज भी करता है तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये मिसाइल 300 किलोमीटर में आने वाले किसी भी चीज को अपना निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये बंकर और स्टोर रूम को भी पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। AK-203, ये बात तो आपको भी पता होगी कि AK-47 को दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल्स में से एक माना जाता है। लेकिन अभी कुछ समय से रूस की मदद से भारत में इसी AK सीरीज की सबसे खतरनाक राइफल को तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है AK-203। AK-47 AK सीरीज का सबसे बेसिक मॉडल है। इसके बाद AK-74, AK-56, AK-100 और AK-200 नाम के मॉडल भी आ चुके हैं। लेकिन इनमें सबसे एडवांस है AK-203। पूरी तरह से लोड करने के बाद भी इसका वजन सिर्फ 4 किलोग्राम का ही रहेगा। इसमें ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह के वेरिएंट्स हैं। इसकी खास बात ये है कि इससे 1 मिनट में 600 बुलेट्स फायर की जा सकती हैं। ये राइफल 400 मीटर पर खड़े दुश्मन को भी उड़ा सकती है। इस राइफल को बनाने का प्लांट अमेठी उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। NSV मशीन गन, ये एक ऐसी मशीन गन है जो आसमान में 1.5 किलोमीटर पर उड़ रहे प्लेन को भी अपना निशाना बना सकती है। इस गन को भी रूस की मदद से तैयार किया गया है। NSV मशीन गन को तैयार करने का प्लांट भारत में तिरुचिल्लापल्ली स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारखाने में किया गया है। इसका उपयोग हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर किया जाता है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा जाने वाला पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे पूरे तरीके से भारत में ही तैयार किया गया है। इसका प्रोडक्शन भारत द्वारा सन 2009 में शुरू हुआ था और संभावना है कि इसे 2022 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। ये 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 30 फिक्स्ड विंग का बोझ झेल सकता है। इसका डेक लगभग 10,000 मीटर का है और ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में दौड़ाया जा सकता है। इस पर MiG-29 और Tejas-3 को तैनात किया जा सकता है। SAF कार्बाइन सब मशीन गन, इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मशीन गन से जब बुलेट फायर की जाती है तो आसपास बहुत शोर हो जाता है और दुश्मन को इसकी भनक क्या, उसको सीधा पता चल जाता है कि उस पे मशीन गन से अटैक हो रहा है। पर दोस्तों, इस गन में इतना इफेक्टिव साइलेंसर लगाया गया है कि आसपास इसकी फायरिंग की आवाज नहीं गूंजती और दुश्मन जब तक समझ पाता है कि उस पे मशीन गन से अटैक हुआ है तब तक काफी देर हो जाती है। इसके बैरल में साइलेंसर की मौजूदगी के अलावा इसमें ऑटोमेटिक फायरिंग का भी सिस्टम है और यह काफी लाइट वेट भी है। इसका निर्माण कानपुर की ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ है। तो दोस्तों, आज की जानकारी समाप्त होती है, मगर ऐसी ही कई दिलचस्प जानकारियाँ आप हमारे चैनल हिंदी पैक पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आप हमें आगे के टॉपिक्स के सजेशंस भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।